Hello guys, welcome to NS Classes. I am Sonam. Today we are discuss most important topic, that is data type. Data type kya hai? Data type kya hai? Finite set of value along with set of rules for permissible operation. हम कोई भी operation करने के लिए rules and regulation लगाते हैं, उसको बोलते हैं data type. ये इसकी definition है, जो एक important स्ट्रेट फॉरवर्ड के बाद डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं. डाटा टाइप के टाइप्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डाटा टाइप. प्राइमरी डाटा टाइप, सेकेंडरी डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड. प्राइमरी को हम बेसिक डाटा टाइप भी बोलते हैं और इनबिल्ट डाटा टाइप भी बोलते हैं. सेकेंडरी को हम डिराइव डाटा टाइप भी बोलते हैं कि आगे फर्दर डिवाइड हो सकती है. यूजर डिफाइंड, जो हम यूजर खुद अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करता है. प्राइमरी डाटा टाइप और बेसिक इनबिल्ट क्यों रखा गया इसका नाम, ये आगे फर्दर डिवाइड सब पार्ट में डिवाइड नहीं होती. ड्राइव ये आगे पार्ट में डिवाइड होती है. यूजर डिफाइंड, जो यूजर अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करता है. प्राइमरी में क्या क्या आता है, इंट, फ्लोट, कैप, वॉइड. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको आ गए ना तो आपके जो एक क्वेश्चन तो पक्का आता है कि एक डाटा टाइप की रेंज क्या है, जो आज हम डिस्कस करेंगे. प्राइमरी में कौन सी है, इंट, फ्लोट, कैप, वॉइड. सेकेंडरी में क्या है, पॉइंटर, एरे, फंक्शन. यूजर डिफाइंड में क्या है, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम. ये सेकेंडरी और यूजर डिफाइंड के लिए हम पूरे पूरे एक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पॉइंटर का एक लेक्चर बनेगा, एरे का अलग बनेगा, फंक्शन का अलग, स्ट्रक्चर का अलग और यूनियन का अलग. ठीक है, तो आज हम सिर्फ प्राइमरी डाटा टाइप करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ वी आर डिस्कस प्राइमरी डाटा टाइप. प्राइमरी डाटा टाइप क्या होती है, मैंने अभी बताया था, विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड. Which cannot be further divided into sub part. ये sub part में divide नहीं होती, जैसे int, int को हम divide नहीं कर सकते. char, char को भी कभी divide नहीं होते. Float, float भी कभी divide नहीं होगा. Void, basic data types हैं. जिसका use कहाँ किया जाता है, main question, important question. Change the size or sign of data type. What is the use of primary data type? Change the size or sign of data type. First we are define integer data type. Integer को हम क्या करते हैं, int से define करते हैं. ये कितनी range का होता है, इसकी range क्या है, -3 to 7 6 8 2 3 to 7 6 7. Most important question, what is the range of integer -3 to 7 6 8 2 3 to 7 6 7? ये कितनी बाइट्स लेता है, 2 bytes ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, इसके क्वालिफाई क्या होती हैं, ये कौन कौन सी में हो सकता है, शॉर्ट में हो सकता है, लॉन्ग में हो सकता है, साइन में हो सकता है, अनसाइन में हो सकता है. Now we are discuss integer data type. Integer data type जो है 4 parts में divide होता है. Short sign, short unsigned, long sign और long unsigned. Short sign कितनी bytes occupy करता है, 2 bytes. इसकी range कितनी है, -3 to 7 6 8 2 3 to 7 6 7. Always remember -3 to 7 6 8 2 3 to 6 7 8. 3 to 7 6 7. इसका फॉर्मेट क्या है, परसेंटेज डी. फॉर्मेट याद कर लेना, सी में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, परसेंटेज डी. हम जब भी प्रोग्राम करेंगे, जब भी इंट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, परसेंटेज यूज, परसेंटेज डी. और जब शॉर्ट अनसाइन इंट होगा, अनसाइन का मीन्स इसमें माइनस वाली वैल्यू नहीं आएगी, इसमें क्या होगा, दोनों वैल्यू को प्लस कर देते हैं. ये वाली आपको याद होगी ना, तो ये वाली आराम से हो जाएगी. 8 7 15 3 15.
इसका साइन फॉर्मेट क्या है? परसेंटेज यू. नेक्स्ट लॉन्ग साइन इंट. लॉन्ग साइन इंट क्या है? ये कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करता है? 4 बाइट्स. माइनस 2^31 टू 2^31 माइनस 1. परसेंटेज एल डी. स्मॉल एल डी है, स्मॉल ई डी है, स्मॉल ई यू है. लॉन्ग अनसाइन इंट, ये कितनी? लॉन्ग में कितनी बाइट्स है? 4 बाइट्स. शॉर्ट में कितनी है? 2 बाइट्स. इसकी रेंज कितनी है? 2^0 to 2^32 माइनस 1. और इसका साइन क्या है? परसेंटेज एल यू. अनसाइन के लिए हम यू यूज करते हैं और सिंपल इंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? डी यूज करते हैं. नाउ डिस्कस सेकेंड टाइप, दैट इज फ्लोट. फ्लोट में क्या है कि हम रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल पॉइंट. याद है ना कि फ्लोटिंग में क्या लेते थे? 1.25. ये कौन सी है? फ्लोटिंग. ये कितनी रेंज लेती है? 4 बाइट्स. ठीक है. अब इसमें समटाइम क्वेश्चन आता है कि हम पॉइंट के बाद कितने डेसिमल ले सकते हैं. 6 ले सकते हैं. 6, 4, 6, 7, 6, 5, 6 तक हम फ्लोट में ले सकते हैं. अब हमारी मर्जी, हमने 2 लेने हैं, 3 लेने हैं, 4 लेने हैं. जनरली वह 6 तक ले सकता है. अब ये डाटा टाइप्स है. इसके फर्दर फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल. फ्लोट में कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करता है? 4 बाइट्स. डबल में कितनी करता है? 8 बाइट्स. लॉन्ग डबल में कितनी करता है? 10. अब इसकी रेंज, फ्लोट की रेंज क्या है? -3.4 × 10^38 to 3^4 × 10^38. ये रेंज है ना, आपको याद करनी पड़ेगी. रेंज मैंने इसीलिए लिखी है, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इस रेंज को अच्छे तरह याद कर लेना. फॉर्मेट है परसेंटेज एफ. अब डबल है, डबल कितनी रेंज लेगा? कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा? 8. इसकी रेंज क्या है? -1.7 × 10^308 to 1.7 × 10^3.8. इसमें याद रखना, डबल में स्मॉल एल आएगा, स्मॉल एल एफ, और लॉन्ग डबल में कैपिटल एल आएगा. डिफरेंस क्लियर हुआ? डबल में स्मॉल एल और लॉन्ग डबल में कैपिटल एल. इसके जो बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा वो 10 बाइट्स लेता है. ये इसकी रेंज है -1.7 × 10^4932 to 1.7 × 10^4932. अगेन रिपीट, कैपिटल एल एफ. इसको याद कर लो अच्छे से, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा. या इंट की रेंज पूछेंगे, या फ्लोट की, या डबल की, या लॉन्ग डबल की. ज्यादातर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए इसको ध्यान से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले. नाउ वी आर डिस्कस कैर डाटा टाइप. कैर डाटा टाइप का मतलब क्या है? कैर में क्या लेते हैं? करेक्टर. इंट विजुअल करेक्टर को जब हम डिक्लेयर करते हैं ना, उसके लिए हम कैर डाटा टाइप लेते हैं. मतलब इंडिविजुअल एक भी करेक्टर, सिंगल करेक्टर को डिक्लेयर करने के लिए हम कैर डाटा टाइप यूज करते हैं. और किसमें करते हैं? जैसे सिंगल इन कोर्स में, ये कोर्स में होते हैं, सिंगल कोर्स में. ठीक है. अब जैसे हमने कोई भी इसके लिए जैसे ए लिखना है मैंने, तो कैर यूज करेंगे. ये कैर हमेशा कितने बाइट्स लेते हैं? 1 बाइट. इसकी रेंज कितनी होती है? -1 to 8 to 1 to 7. ऑलवेज रिमेम्बर टू टाइप्स, साइन कैर, अनसाइन कैर. स्पेस ऑक्यूपाइड इन मेमोरी, दैट इज 1 बाइट. रेंज -1 to 8 to 1 to 7. इस ये परसेंटेज सी यूज करते हैं. अनसाइन कैर रेंज बाइट्स ऑक्यूपाई 1 बाइट. 0 to 255 रेंज इसकी, 0 to 255 मीन्स हमने इसमें भी एडिंग ही की है. फॉर्मेट क्या होगा? परसेंटेज सी. लास्ट टाइप इज वाइड डाटा टाइप.
Now we are discuss last primary data type, that is void data type. Void means empty. हम इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं करते, सिंपली एम्प्टी डाटा टाइप. यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसमें डिवाइड हम प्रोग्राम फंक्शन और सब प्रोग्राम में डिवाइड करते हैं, बट इसने कुछ भी रिटर्न नहीं कराना. इट रिटर्न्स नथिंग. इसमें अगर हम आर्गुमेंट भी पास करते हैं ना, आर्गुमेंट भी हम पास नहीं कर सकते. नॉट पासिंग एनी आर्गुमेंट मीन्स इट इज एम्प्टी डाटा टाइप. थैंक यू वेरी मच गाइस. प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट द वीडियो. थैंक यू वेरी मच.